सो गाइस 15 से 20 हजार का जो बजट है ना, ये काफी कंफ्यूजिंग बजट है किसी भी स्मार्टफोन को लेने का, क्योंकि इस रेंज में आपको सबसे ज्यादा फोन्स देखने मिलते हैं। तो इसी को देखते हुए आज के वीडियो में हम 15 से 20 हजार के प्राइस सेगमेंट में आने वाले टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनमें आपको जबरदस्त कैमरा क्वालिटी मिल जाएगी, जिससे आप रील्स बनाते हैं या डे टू डे भी कैमरे का यूज करते हैं तो ये फोन तगड़ी कैमरा क्वालिटी लेके आएंगे। इसके अलावा इन फोन्स को हमने हाई परफॉर्मेंस वाले चिपसेट के साथ भी रखा है, जिससे आप गेमिंग करते हैं या कोई भी हैवी यूजर्स करते हैं, आपको फोन में हैंग या लैग जैसे इशू देखने को नहीं मिलेंगे। और अभी के टाइम में लोग कंटेंट भी बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो इस बात का भी हमने ध्यान रखा है, और डिस्प्ले भी इनमें आपको टॉप नॉच मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के आज की सुपर एक्साइटिंग वीडियो को शुरू करते हैं, और उससे पहले प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है पोको X5 5G स्मार्टफोन। गाइस मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस फोन की प्राइसिंग में फ्लक्चुएशन चल रही है, और अगर अभी आप इस फोन को लेते हैं तो आपको इसे अमेज़न या ऑफलाइन स्टोर से लेना है, जहां ये आपको इजीली 15,000 में मिल जाएगा। तो अगर आप अंडर 15,000 में किसी ऑलराउंडर फोन को लेना चाहते हैं तो आप पोको के इस फोन पोको X5 को कंसिडर कर सकते हैं, जो कि एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में मिल जाता है पावरफुल प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695, जो कि गेमिंग भी मक्खन करा देता है। कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है, और फ्रंट कैमरे इसमें 13 मेगापिक्सल का मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.67 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, और सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने के कारण इसमें आप मूवीज देखते हैं या कोई भी कंटेंट देखते हैं, क्वालिटी इसमें काफी अच्छी मिल जाती है, और ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ भी आती है। वहीं इसकी बैटरी कैपेसिटी को देखें तो इसमें 5000 एमएएच की बैटरी मिल जाती है, और चार्जिंग 33 वाट की सपोर्ट करता है। इसके अलावा इस फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड और ब्राइटनेस 1200 निट्स की मिल जाती है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ जाते हैं तो ये फोन आपको 15,000 में मिल जाता है। सो नंबर 4 पर है सैमसंग गैलेक्सी F34 स्मार्टफोन। गाइस सैमसंग के फोन खासतौर पर इनकी तगड़ी कैमरा क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, तो अगर आप किसी कैमरा सेंट्रिक फोन को लेना चाहते हैं तो आप सैमसंग के इस फोन गैलेक्सी F34 को कंसिडर कर सकते हैं। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में मिल जाता है सैमसंग एक्सिनोस 1280 प्रोसेसर, जो कि एक डिसेंट चिपसेट है। कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 15 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाता है, और इसके मेन कैमरे में OIS और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग में मिल जाती है, और फ्रंट कैमरे इसमें 13 मेगापिक्सल का मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो ये फोन 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का, SDR10+ का सपोर्ट और गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, और ये फोन 1000 हर्ट्ज की ब्राइटनेस भी लेके आता है। बैटरी की बात करें तो इसमें 6000 एमएएच की बड़ी बैटरी मिल जाती है, और चार्जिंग 25 वाट की सपोर्ट करता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं तो ये फोन आपको 16,000 में मिल जाता है, और इसका 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट अराउंड 18,000 मिलता है। सो अगला फोन है नंबर 3 पर मोटो G84 स्मार्टफोन। गाइस मोटोरोला का ये फोन खास तौर पर इसके स्टोरेज के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये फोन इस बजट में 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आता है। इसके अलावा बाकी फीचर्स भी इस फोन में काफी अच्छे मिलते हैं। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में मिल जाता है क्वालकॉम की तरफ से क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695, जो कि काफी तगड़ा चिपसेट है, और इसमें आप गेमिंग भी अच्छी खासी कर पाएंगे। कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में डुअल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 15 मेगापिक्सल और दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.55 इंच की पीओलेड डिस्प्ले मिल जाती है, और पीओलेड डिस्प्ले में कंटेंट देखने में कलर्स काफी अच्छे मिलते हैं। इसके अलावा इसके डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का, SDR10+ का सपोर्ट और ब्राइटनेस 1300 निट्स की मिल जाती है, और ये फोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ भी आता है। बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 एमएएच की बैटरी मिल जाती है, और चार्जिंग 30 वाट की। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ जाते हैं तो ये फोन आपको 18,000 में मिल जाता है। सो नंबर 2 पर है Realme Narzo 60 स्मार्टफोन। गाइस Realme का ये फोन प्रोसेसर और डिस्प्ले दोनों की क्वालिटी काफी अच्छी लेके आता है, और कैमरा पर्पस से भी ये फोन बहुत अच्छा है। तो इसकी स्पेक्स की बात करें तो इस फोन में मिल जाता है MediaTek Dimensity 6020 प्रोसेसर, जिसमें आप मल्टीटास्किंग करें या गेमिंग, परफॉर्मेंस ये फोन तगड़ी लेके आता है। कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में डुअल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है, और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.43 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें कंटेंट देखने में कलर्स काफी क्लियर मिलने वाले हैं, और इसके डिस्प्ले में 1000 निट्स ब्राइटनेस और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी के लिए काफी अच्छा है। और इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 एमएएच की बैटरी मिलती है, और चार्जिंग 33 वाट की। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 8GB रैम 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं तो ये फोन आपको 19,000 में मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 1 के स्मार्टफोन के बारे में, और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो नंबर 1 पर है हमारी लिस्ट का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन Redmi Note 13 5G। गाइस Redmi का ये फोन एक लेटेस्ट स्मार्टफोन है, और ये इस बजट का एक ऑलराउंड स्मार्टफोन भी है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में मिल जाता है MediaTek Dimensity 6080 प्रोसेसर, जो काफी तगड़ा चिपसेट है, और ये फोन अराउंड 453,000 का इंट्रोड्यूस को लेके आता है, जो इस बजट में आने वाले फोन के लिए काफी अच्छा है। इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा
108 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाता है। और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.67 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ का, ब्राइटनेस 1000 निट्स की और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। बैटरी की बात करें तो ये फोन 5000 एमएएच की बैटरी और 33 वाट की चार्जिंग के साथ आता है। इसके अलावा इसके कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, साइड माउंटेड और डॉल्बी एटमॉस भी देखने मिल जाता है। तो फाइनली इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 8GB रैम, 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं तो ये फोन आपको 19,499 में मिल जाता है और इसका बेस वेरिएंट 6GB रैम, 128GB स्टोरेज के साथ अराउंड 18,000 मिलता है।